इहतराम अहलियाए राजपुताना सोसाइटी और यहाँ बसने वाले मेरे राजपूत और कुरैशी बरादरी के भाइयों, बुजुर्गों और बेटों, अस्सलाम वालेकुम। राबता कमेटी के अराकीन और सीओसी के मेरे जिम्मेदार साथी लियाकतबाद टाउन और मुतल्लिका यूसी के साथियों, आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल फोन का एक पावर बैंक होता है, अगर पावर बैंक नहीं है तो वो फोन हमारे लिए बेकार है ना भाई। तो लाजिम और मंजूम फोन के लिए क्या है, पावर बैंक। पाकिस्तान का पावर बैंक माली तौर पर, मासी तौर पर कौन सा शहर है? कराची। और तो पाकिस्तान का पावर बैंक कराची, और कराची का पावर बैंक औरंगी टाउन वालों ने ये दावा किया है कि हमने सबसे बड़ा जलसा किया एमक्यूएम का, इसलिए हम कराची का पावर बैंक है। मैंने उनको कहा नहीं, कराची का पावर बैंक एमक्यूएम है। एमक्यूएम का पावर बैंक कौन है? ये एक रेस लगी हुई है। औरंगी वाले कहते कि हम पावर बैंक है, औरंगी वाले कहते कि हम है, न्यू कराची वाले कहते हैं कि भाई हम पावर बैंक है। लियाकतबाद वालों का तो शुरू से क्लेम रहा है कि शोधा की तादाद लें, सियासी तहरीकें लें, कयाम पाकिस्तान की जद्दोजहद लें और तहरीक बजाय पाकिस्तान की जद्दोजहद लें। जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान की सियासी तहरीकों, पाकिस्तान के कयाम, पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए लियाकतबाद के आवाम ने दी है, शायद कराची के दीगर इलाकों के आवाम ने नहीं दी है, बात है। लेकिन न सिर्फ ये आज की कॉमन मीटिंग में तय होगा, ना ये तालियां बजाने से तय होगा, ये तो जलसे में हर तरफ सरीसर अगर नजर आएंगे, हर तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे, मेरी बहनें, मेरी बेटियां भी उसमें मौजूद होंगी। हम एक बड़ी फैमिली और बड़ा खानवादा है, और हम वो खानवादा है जिसकी शनाख्त इस पाकिस्तान में अगर तालीम की बुनियादें रखी गई तो वो हमारे आबाओ अजदाद ने इस कयाम में पाकिस्तान के साथ तालीम को आम किया, तालीम को पूरे मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाया, वो हमारे आबाओ अजदाद। अगर सेहत का निजाम बनाया तो हमारे आबाओ अजदाद ने बनाया। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, लेकिन आज शायद हमारे मुखालफीन की जो मंसूबा बंदी है उसने हमें इतना दीवार से लगा दिया, कमजोर कर दिया और तकसीम भी कर दिया, लेकिन सिर्फ मुखालिफ की बुराई करके सारा इल्जाम उस पर डाल के क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो जाएंगे, सुबुकदोश हो जाएंगे? नहीं, हमें अपने ऊपर भी नजर करनी है कि कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियां हुई हैं। हमारे यहां भी नजरियाती साथियों की कमी हुई, जाबाजों की कमी हुई और धर्मबाजों ने जो है वो उनकी जगह ली, ऐसा हुआ है। और उसकी वजह से पढ़े लिखे अच्छे नजरियाती सुलझे हुए मेरे कारकुनान, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बड़े बहुत सारे नाराज होकर या तो घर पर बैठ गए, बहुत सारे मुल्क छोड़कर चले गए या अपने रोजगार और मईशत में लग गए। इसीलिए ये जलसा इंतखाबी है जो B1 एरिया स्टूडेंट ग्राउंड हो रहा है, लेकिन जब हम अपने घर में बात करेंगे तो इंतखाबात बाद में आते हैं, पतंग बाद में उड़ाएंगे, लेकिन उस पतंग को उड़ाने के लिए जो सद्दी मांझा चरखी चाहिए भाई,
क्या वो हमारे पास है? वो तंजीम है? वो जज्बा है? असल तो हमें उसे तलाश करना है, हमें MQM को ओन करना है हमारे आने वाले बच्चों के लिए। आज सरजानी टाउन जो नई बस्तियां हैं, एक एक घर की चार गरीबों के पास चार चार अलॉटमेंट है, चार भाई है, चार दावेदार है। माल किसने बनाया? पीपल्स पार्टी ए टीम जी। हाँ मुझे मालूम है ए टीम। और उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ हमारे भी आखबत नांदेश हो सकते हैं जो ऐसी बातों में कहीं आलायकार बन गए या इस्तेमाल हो गए। इसलिए इस मर्तबा अल्लाह अगर इज्जत दे और हमें इस काबिल समझे, हम सबको हमारा माल रखे और हम उस माल तक पहुंचे, मेहनत करके जद्दोजहद करके घर घर जाके एक एक भाई बेटी बुजुर्ग को मनाकर वापस मुतहरिक करके सिर्फ लियाकत आबादी आपके सारे रिश्तेदार पूरी कराची में जाए, हर जगह उनको भी कहेंगे यार एक मौका दो, खालिद भाई को नहीं, मुस्तफा भाई को नहीं, फारूक भाई को नहीं, MQM को नहीं, अरे अपने इन बच्चों को, आने वाली नस्लों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों और बेटियों की असमतों को अगर मौका देना है तो हमें एक मरतबा अपने पैरों पर खड़ा होना होगा इंशाल्लाह। एक मरतबा ये शहर, अगर आज यहाँ हमारी आबादी 50% है तो बाकी 50% का भी हम एहतराम करें और वो 50% हमारे हक का भी एहतराम करें। आप ही जिए और हमें भी जीने दे। और जो ये बड़ेरे जागीरदार 15 सालों से तकसीम कर रहे हैं, आखिरी 10 करोड़ गैलन पानी K2 मेरे वक्त में आया जब मैं वजीर और मेयर था, उसके बाद K3 का 10 करोड़ गैलन पानी मुस्तफा गमाल भाई जब मेयर थे उनकी मेयरशिप में आया 2008 के बाद, आज 2023 है, 15 साल हो गए, एक इजाफी बूंद पानी नहीं आया। अगर आपकी कमी है एक जगह का प्रेशर कम करके बढ़ा देंगे, कहीं लाइन डालनी है डाल दी, बहुत का पानी तकसीम हो गया, लेकिन हमारी जुमला जरूरत तभी पूरी होगी जब 1200 मिलियन गैलन या 120 करोड़ गैलन पानी कराची को मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा ना तो लियारी वाले कहेंगे लियाकतबाद को मिल रहा है, लियाकतबाद वाले कहेंगे कि फ्रंटियर कॉलोनी को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। होगा क्या, भाई को भाई से लड़ाने की ये साजिश है 15 साल से एक हूं नहीं। अब उसमें हम भी सही तरह से कराची का मुकदमा मेरे ख्याल में हम भी नहीं लड़ सके, हमारी भी तो गलती, हम तकसीम हुए, हमें मानना चाहिए कि हमारी गलती भी है भाई, अपनी गलती मानना, इसमें कोई शर्म और आर नहीं होनी चाहिए। और फिर अपने लोगों से, अपने वोट बैंक से ये यकीन दिलाना कि आइंदा इंशाल्लाह हम इन गलतियों से ग्रेस करेंगे इंशाल्लाह आइंदा, और इसका इजारा भी करेंगे इंशाल्लाह, और अपने बच्चों की अपनी इज्जत नफ्स को बहाल करेंगे। ये वो सफर शुरू किया है। अब हमारी भी उम्र जाहिर है कि हम कितना MQM की बात दौड़ को चला सकते हैं समाज में, जब तक कि ये बच्चे ये तैयार ना हो, ये आगे ना आए और ये MQM की बात दौड़ को ना समझ, ये नौजवान यहाँ खड़े रहे ये आगे ना आए और ये ना संभाले, तो हमें तो कई महाजों पे काम करना है। एक नौजवानों की नई खेप भी तैयार कर इस इलेक्शन में अपनी इज्जत नफ्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह जब खालिद भाई, मुस्तफा भाई और हम एक हुए तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि हमारी लापता आबादी की बाजियाबी का सिलसिला शुरू हुआ। 70 लाख लोग जो लापता थे कराची में, इस मरतबा उन 70 लाख लोगों को गिना गया अल्लाह के फजल करम से। और